फ्रेंड्स, मैं हूं भूमि। स्वागत है आपका क्रेजी फूडीज में। आज हम बनाने वाले हैं स्वीट चिली पोटैटो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से मीडियम साइज के 8 पोटैटो लेने हैं, जिसको हमने 2 विसल तक प्रेशर कुक कर दिया है। अब सारे पोटैटो की स्किन निकालकर ऐसे वेजेस में कट कर लिया है और अब इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हमें सारे पोटैटो वेजेस को डीप फ्राई कर लेना है। हमारे सारे पोटैटो वेजेस डीप फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इस तरह से एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, 4 टेबलस्पून। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है और आधी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लिया है। इसके बाद हम डाल देंगे अनियन, 4 मीडियम साइज के अनियन लिए हैं मैंने। और 2 बड़ी साइज के कैप्सिकम। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर पका लेना है इन सबको। हमारे अनियन कैप्सिकम आधे पक चुके हैं, यहाँ पे हमें पूरे पकाने नहीं है। अभी हम मसाला कर देते हैं। नमक स्वाद अनुसार, चार चम्मच टमाटो केचप जो कि हमें बाजार में रेडीमेड मिलता है, 4 चम्मच ये रेड सॉस जो कि हमने पहले ही बनाया था। इसकी रेसिपी मैंने पहले बताई थी और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ऑरेगानो, 1/2 टीस्पून मरी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब 2 चम्मच शुगर डालना है। कॉर्नफ्लोर स्लरी डाली है हमने। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था और 4 टेबलस्पून पानी लिया था और दोनों को मिक्स करके स्लरी बनाई थी। मसाला सब हो चुका है तो अब हम ये पोटैटो वेजीज ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए तैयार है हमारे स्वीट चिली पोटैटो। अब हम इसे एक बाउल में निकालकर चीज से गार्निश कर देते हैं। तो तैयार है हमारे स्वीट चिली पोटैटो। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।